परी हत्या एवं अंग तस्करी घटनारे राज्य सरकार एवं शासक दलर नेता मंत्री सांसद माने विभिन्न समय रे तांका मुखपात्र माने भी आसिकी कहिचंती जे तदंत जो एसआईटी करूची ताहा कोर्ट मॉनिटर होउची एवं तांका कथा रे ताल मिसेई कांग्रेस मध्य एहाकु ऐतिहासिक विजय एवं एसआईटी कोर्ट मॉनिटर बोली कहिला। किंतु एबे आजि माननीय उच्च न्यायालयक पाखरु जो चिट्ठी आसीची से 16-1 से स्पष्ट जे मान्यवर उच्च न्यायालय लिखुचंती जे एसआईटी आमे कोर्ट मॉनिटरिंग करी पारिबु नाही बोली से मना करिचंती एवं ए सूचना को राज्य सरकार को December 1, 2020 रे जणैचंती मध्य। किंतु ता सत्वे गत डेढ़ मास तले राज्य सरकार जानिले जे एटा कोर्ट मॉनिटरिंग हेई पारिबो नाही तथापि कौन पाएंगे राज्य सरकार तंकर विभिन्न एजेंसी वरिष्ठ अधिकारी मानू लगे मिथ्या ओडिशावासी आगे प्रोपागेट कले जे एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड होउची तदंत ठीक बाटे जाउची ये गोटे विराट प्रश्न आज सृष्टि यार उत्तर राज्य सरकार को ही रखिवार अछि। अपर पक्ष गत वर्ष December 18 दिन ओडिशा पुलिस महानिर्देशक ओडिशा डीजीपी कही जे द केस इज मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट जेतेबेले आपण 1-12 रे जानिले जे हाईकोर्ट केस को मॉनिटरिंग करू नाही सेतेबेले 18-12 रे केमिति डीजीपी कहिले जे केस को कोर्ट मॉनिटरिंग करूछ। तेणु डीजीपी कोर्ट रो मान्यवर कोर्ट को ना ने कि जो मिछ कहिचंती तो तांको ऊपर निश्चित भाव रे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागबा कथा एवं विधानसभा भितरे ओडिशा सरकारंकर माननीय मंत्री मध्य मिथ्या कहिचंती तांको ऊपर भी स्वाधिकार भंग नोटिस आसीबा दरकार आउ आमर जो गणतंत्र रे संविधान रे जो विधि व्यवस्था रहिची कार्यपालिका न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका ए मानंकु व्यवहार करिकिरी बारंबार मिछ राज्य सरकार कहिची परिघटना रे गोटिए मंत्री अरुण साहू को बंचेबा पई कि तो ये तल स्तर को एत तल स्तर को राज्य सरकार खसी जी आम के आशा करूँ किंतु ओडिशावासी ये सबको बहुत पाखरु निरीक्षण करके देखुचंती।